हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं पूर्व विधायक किताब सिंह मलिक का निधन हो गया है। दरअसल वो एक बीते कुछ समय से लगातार बीमारी से जूझ रहे थे और इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। सोमवार देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। मंगलवार को उनके पैतृक गांव आवली में पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दरअसल 13 मार्च को किताब सिंह मलिक छत्तीसगढ़ किसी काम से गए हुए थे और उसी दौरान सड़क हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें कुरुक्षेत्र के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि किताब सिंह मलिक साल 1982 में लोकदल की टिकट पर और 1991 में बतौर निर्दलीय गोहाना से विधायक रह चुके हैं। मेरे पिता समान थे, मैंने कई बार मिला, मैंने आशीर्वाद भी लिया। सामाजिक भी थे, राजनीतिक भी थे, धार्मिक भी थे, और मैं तो भगवान से दुआ करूँगा, हे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। इनके उसमें रहा, इलेक्शन में भी रहा हूँ, दो बार विधायक बने हैं ये, और ये सब लोगों के सहयोग से। और एक बहुत संघर्षशील व्यक्ति थे, इन्होंने सारी जिंदगी संघर्ष किया और जो है आज बड़े अकस्मात जो है एक्सीडेंट में इनकी डेथ हुई है, ये दुख की बात है, लेकिन इस इलाके को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक सामाजिक और धार्मिक सब प्रवृत्ति के जो है व्यक्ति थे ये, इनमें समाज की बहुत सेवा की।